हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्सी मेकओवर। मैं हूं आपकी होस्ट रितु आर्य और अपने इस चैनल में हम बात करते हैं मेकअप और ब्यूटी की एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं आपके लिए आई मेकअप के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आई शेडो की टेक्निक्स क्या होती है, क्या क्या कलर प्लेसमेंट करनी है और कैसे करने होते हैं। तो आज उसी टॉपिक को फर्दर बढ़ाते हुए आपको बताने वाला कि आई मेकअप कौन कौन से होते हैं, क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रही है, कौन कौन से मेकअप की थ्योरी हमें आनी चाहिए, क्या टेक्निक होती है, सारा कुछ आई मेकअप के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। क्या क्या इसके पीछे की टेक्निक भी होती है या इनके नेम्स क्या क्या होते हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लो यार, क्योंकि बहुत कुछ अभी फ्यूचर में इतना सारा ब्यूटी और मेकअप से रिलेटेड कॉन्टेंट लेकर आने वाली हूँ कि सारा कुछ ही आपको सीखने में मजा आएगा। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उस पर लाइक भी कर लीजिए, और जिनको जरूरत है मेकअप क्लासेस ज्वाइन करने की उनको आगे शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी गर्ल्स जो भी मेकअप सीखना चाहती हैं और किसी प्रॉब्लम की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर पाती है या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाती है, वो ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उनको भी लेटेस्ट ट्रेंड थ्योरी और टेक्निक्स पता चल जाएगी अगर वो मेरे वीडियो ये देखेंगे। तो आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आई मेकअप के बारे में। आई मेकअप में बहुत सारी वेरिएशंस होती है, बहुत सारी टेक्निक होती है, बहुत सारी वैरायटी होती है। आपकी अपनी इमेजिनेशन में डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आई मेकअप करना पसंद करते हो, लेकिन ये इमेजिनेशन हमारी मॉडल्स के ऊपर हम काम कर लेते हैं। जब हम किसी फोटोशूट पे जाते हैं, कोई मॉडल्स के ऊपर काम करना होता है या कोई फैशन शो चल रहा होता है, तो हम अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को यूज कर सकते हैं और किसी भी तरह की अपनी मेकअप के फील्ड में उसको वो कर सकते हैं, हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन समवेयर जब हमें ब्राइडल करना होता है या किसी क्लाइंट के ऊपर मेकअप करना होता है, जैसे वो पार्टी मेकअप है या ब्राइडल मेकअप है, तो हमें थोड़ी सी टेक्निक्स आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फैशन शो या ऑन द स्टेज वाले परफॉर्म करने वाले किसी शो में मेकअप करने जाते हो, तो देयर इज नो लिमिटेशन, आप किसी भी तरह का आई मेकअप क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जितनी ज्यादा वहां पे वेरिएशन दिखाओगे, क्रिएटिविटी दिखाओगे, उतना ही आपका ना होता है। लेकिन जहां पे बात आ जाती है ब्राइडल करना है या पार्टी मेकअप करना है, क्लाइंट की स्किन एजिंग है, यंग है या कैसी है, तो हमें थोड़े से फंडामेंटल्स को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है कि आई मेकअप जो बेसिक होता है उससे स्टार्ट करना पड़ता है कि कौन कौन सी कैटेगरी के होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको बता देती हूँ आज हमारे आई मेकअप कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या नाम है। आई मेकअप में सबसे पहले मैंने अभी सिर्फ 10 आई मेकअप के नाम लिखे हुए हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि बेसिक में क्या होता है जो हर क्लाइंट के ऊपर हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। सबसे वन नंबर वन पे मैं आपको समझा रही हूँ सिंगल आई शेडो। सिंगल शेड से आप किसी भी क्लाइंट का आई मेकअप कर सकते हो। सिंगल शेड आई शेडो एक बहुत ही फेमस और बेसिक आई शेडो टेक्निक है, जो हम खुद भी अगर हम सेल्फ ग्रूमिंग भी करनी है तो हम स्टार्ट करते हैं हमेशा पहले सिंगल आई शेडो को लेकर। तो सिंगल आई शेडो मेकअप के लिए भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नंबर टू में मैंने रखा हुआ है टू शेड। हम अपनी आईज को टू शेड में भी डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपनी आईज के ऊपर 1/3, 2/3 और 3/3 की भी प्लेसमेंट कर सकते हो कलर्स की, उसी के बिहाफ पर सिंगल शेड होता है, सिंगल आई शेडो आप यूज कर सकते हो। नंबर टू पे है टू शेड आई शेडो मेकअप आप कर सकते हो, और नंबर थ्री पे है थ्री आई शेडो शेड्स आप यूज कर सकते हो। टू आई शेडो टू शेड्स अगर आप यूज करते हो तो 2/3 और 1/3 का कलर प्लेसमेंट आ जाता है, और अगर आप थ्री शेड यूज करते हो तो 1/3 1/3 1/3 का कलर प्लेसमेंट आपके आईज के ऊपर आ जाता है। सिंगल शेड है तो आपका पूरा ही ओवरऑल आपकी पूरी आई को वो कवर करता है। तो ये तीनों ही जो पैरामीटर्स है, जो तीनों ही आई मेकअप की जो टेक्निक्स है वो आप यूज कर सकते हो। बेसिक अगर आपका कोई क्लाइंट है या सेल्फ ग्रूमिंग भी है या जस्ट पार्टी मेकअप भी है, इवन ब्राइडल में भी ये यूज कर सकते हो। तो सिंगल शेडो, टू शेडो, थ्री शेडो आई शेड आई मेकअप बेसिक आई मेकअप होते हैं, तो इसको आप कर सकते हो। इसके अलावा स्मोकी आई मेकअप, स्मोकी आई मेकअप बहुत ही फेमस है, हर किसी को होता है कि हम स्मोकी आई मेकअप करें। स्मोकी आई मेकअप एक थोड़ा सा हमेशा डार्क कलर्स के साथ किया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे क्या क्या पैरामीटर्स हैं। एक हमेशा डार्क कलर्स होते हैं, ये डार्क कलर कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपका ब्लैक हो, चाहे वो डार्क ब्राउन हो, डार्क ब्लू हो, डार्क ग्रीन हो, डार्क पर्पल हो, डार्क रेड हो, आप किसी भी कलर के आप स्मोकी क्रिएट कर सकते हो। हल्का सा आपको थोड़ा सा डार्क ब्लैक या ब्राउन का टिंट देना होता है, आप किसी भी कलर से स्मोकी आई मेकअप कर सकते हो। स्मोकी आई मेकअप डज नॉट मीन कि सिर्फ ब्लैक और ब्राउन से ही होता है,
आप रेड ब्लू ग्रीन पर्पल इस तरह के ग्रे या इस तरह के शेड्स को भी यूज करके थोड़ा सा ब्लैक का टिंट देके साथ में मिक्स एंड मैच करके ब्लेंड करके उसको स्मोकी फील दे सकते हो। ये मैं आपको साथ साथ में पिक्चर्स का भी रेफरेंस दे देती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। ये पूरे चार जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ में पिक्चर्स का भी रेफरेंस देती जा रही हूँ कि स्मोकी मेकअप कैसा होता है, सिंगल शेड कैसे हो सकते हैं, डबल शेड, ट्रिपल शेड या कलरफुल कैसे हो सकते हैं, तो आप साथ साथ में दे सकते हो। ये आपका रेफरेंस के लिए मैं आपको साथ साथ में दिखा रही हूँ। इसके बाद अगर आपको कलरफुल करना है, हमने देखो सिंगल शेडो देख लिया, सिंगल शेडो ऐसा होता है, हमने टू शेड शेडो देख लिया, टू शेड शेडो आप इस तरह का कर सकते हो, थ्री शेड भी आप कर सकते हो, स्मोकी भी कर सकते हो। स्मोकी में आप कोशिश करो कि आप सिंगल शेड ही यूज करो क्योंकि हमें आंखों को स्मोकी फील देनी है और पहले से स्मोकी डार्क कलर में ही होती है अक्सर, तो उसमें आप दो या तीन शेड मत यूज करो, सिंगल शेड ही यूज करो। अगर आप ब्लू को ले रहे हो तो ब्लू को ही ब्लैक के साथ ब्लेंड करो, ऐसा ना लगे कि ब्लैक अलग है या ब्लू अलग है। अगर आप ब्लैक ही ले रहे हो तो ब्लैक अपने आप ही वो फील दे देता है, हल्का सा उसके साथ ग्रे या ब्राउन का क्रीज लाइन पे टिंट दे सकते हो, तो कोई भी मिक्स एंड मैच इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद कलरफुल, कलरफुल में आप मल्टी कलर यूज कर सकते हो। कलरफुल आज आपने देखा होगा कि ब्राइडल जो होती है वो अपनी मेहंदी के लिए स्पेशली ओकेजन के लिए जो मेहंदी होती है उनकी त्योहार भी होती है, तीज के त्योहार पे भी या मेहंदी के त्योहार पे भी या करवा चौथ के ऊपर भी, और जब उनकी हल्दी भी होती है शादी से दो तीन दिन पहले जब हल्दी सेरेमनी होती है या मेहंदी सेरेमनी होती है तो वो बहुत कलरफुल मेकअप पसंद करते हैं क्योंकि हल्दी उनके ऊपर लगती है, मेहंदी का त्योहार वो मनाते एक तरह से रसम करते हैं अपनी शादी से पहले, तो वो कलरफुल मेकअप पसंद करते हैं। तो उसमें आप उनको मल्टी कलर भी दे सकते हैं, रेड येलो ग्रीन पर्पल थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं आप साथ में। देखो जैसे इस तरह के हल्दी सेरेमनी के लिए इस तरह के कलर यूज कर सकते हो, मेहंदी के लिए इस तरह के कलर यूज करते हो, तो इस तरह के कुछ रेफरेंस है जो आप हल्दी सेरेमनी या मेहंदी सेरेमनी के लिए भी कलरफुल मेकअप कर सकते हो। इसके बाद हमारा आ जाता है जो टेक्निकल टर्म है हमारे कट क्रीज। कट क्रीज मेकअप होता है इस तरह का जिसमें आपने उसको कट करना है, क्रीज जो आपकी क्रीज है आईज की जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, ये क्रीज होती है जहां पे हमारी आंख खुलती है और बंद होती है, सिल्वर बीच में पड़ती है, लाइन क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड क्रीज। तो क्रीज को जब हम कट कर देते हैं, आईज के पार्ट को अलग, क्रीज के पार्ट को अलग, इस तरह से जो कट करके हमने मेकअप करते हैं उसको बोलते हैं कट क्रीज मेकअप। उसमें आपकी दो वेरिएशन है, नंबर 7 पे मैंने रखा है हाफ कट क्रीज और नंबर 8 पे मैंने रखा है फुल कट क्रीज। तो कट क्रीज मेकअप में हमें क्रीज को कट करके मेकअप करना है और वो हाफ कट क्रीज भी हो सकता है, हमने हाफ कट क्रीज कर लिया। ये देखिए पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, यह हाफ कट क्रीज, इसमें हमने क्रीज को हाफ कट किया हुआ है, इनर कॉर्नर से लेकर हमने सेंटर तक इसको हाफ कट किया हुआ है, पीछे हमने उसको सिर्फ ब्लेंड किया हुआ है। उस तरह ये फुल कट क्रीज है, फुल कट क्रीज में हमने अपनी क्रीज को पूरा कट किया हुआ है इनर कॉर्नर से लेकर आउटर कॉर्नर तक। तो नीचे का आई शेडो आप सिंगल या डबल या ट्रिपल कोई भी शेड रख सकते हो, लेकिन फुल कट क्रीज को हमने पूरा करके क्रीज शेड से एक आई शेडो से उसको क्रीज कट करके और शेड दे दिया हुआ है। तो हाफ कट क्रीज भी इसमें आता है और फुल कट क्रीज भी होता है। तो ये पूरी टेक्निक है जिसमें आपको कट क्रीज करनी है, चाहे हाफ करो चाहे आप फुल करो। इसके बाद होती है कि अरेबिक आईज। अरेबिक आईज बहुत फेमस है क्योंकि जो अरेबिक आईज है जिनकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आईज होती है उनकी अरेबिक आईज मेकअप करने में बहुत मजा आता है। जैसे अरेबिक वुमन को आपने देखा होगा, वहां की जो लेडीज है वहां की विमेन्स है, वो अरेबिक मेकअप उनका एक अलग ही स्टाइल होता है, एक बड़ा सा अरेबिक स्पेसिफिक लाइनर होता है, वो वैसे काजल लगाते हैं वैसे लाइनर का तरीका होता है, वैसे उनका मेकअप का अलग तरीका होता है। तो इस तरह से हम अरेबिक लुक भी तैयार कर सकते हैं जिनकी आंखें बड़ी 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 हैं, या जिनकी आंखें छोटी है वो क्रिएट करना चाहते हैं कि उनकी आंखें थोड़ी बड़ी लगे सुंदर लगे, तो आप अरेबिक लुक भी उनकी क्रिएट कर सकते हो आंखों के ऊपर। इसके अलावा कैट आईज और फॉक्सी आईज, आजकल कैट आई और फॉक्सी आईज का भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं क्योंकि आजकल का मेकअप थोड़ा सा पार्टी मेकअप भी अगर आप सपोज करो या ब्राइडल, तो नहीं ब्राइडल को अच्छे से मेकअप करवाते हैं क्योंकि विजिबिलिटी को चाहिए होती है पिक्चर्स के लिए, लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन में अगर मेकअप करवाता है तो उनको क्या होता है कि वेरी लाइट शेड, उनको होता है कि ऐसा हो कि नो मेकअप लुक लगे, उनकी मेकअप लुक हो लेकिन नो मेकअप लुक हो है, तो वो कैट और फॉक्सी आईज करवा सकते हैं क्योंकि ये रिलेटेड है स्पेसिफिक आईलाइनर टेक्निक्स के साथ, क्योंकि इनमें कैट और फॉक्सी आईज में स्पेसिफिक आईलाइनर टेक्निक आ जाती है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमारे कौन कौन से आईलाइनर होते हैं। तो ये इस तरह की कैट आईज और फॉक्सी आईज भी आप मेकअप में क्रिएट कर सकते हो जिनको थोड़ा सा मिनिमम लुक चाहिए होता है, ज्यादा कलर्स के साथ वो प्ले नहीं करना चाहते, मिनिमम लुक चाहिए लेकिन क्रिएटिव चाहिए और सुंदर दिखनी चाहिए, तो दे कैन गो फॉर दी कैट आई और फॉक्सी आई।
इसके अलावा हमारे कुछ मेकअप होते हैं जो नेम स्पेसिफिक होते हैं, उनकी कोई कैटेगरी या बेसिकली कोई टेक्निक नहीं होते, बट दे आर नेम स्पेसिफिक कि हमें कौन से कलर का आई मेकअप करना होता है, तो वो दे आर नेम स्पेसिफिक। जैसे ब्राइड्स के लिए होते हैं वो कहते हैं कि गोल्डन सिल्वर ब्रॉन्ज, इस तरह के नेम स्पेसिफिक आई मेकअप हो जाते हैं कि हमें गोल्डन आई मेकअप चाहिए, सिल्वर चाहिए या ब्रॉन्ज चाहिए, तो मेटेलिक चाहिए, तो दे आर नेम स्पेसिफिक आई मेकअप। या फिर आप कह सकते हो रेड आईज, ब्लू आईज, ग्रीन आईज, तो हम उसको नेम स्पेसिफिक आई मेकअप भी बोल देते हैं कि रेड आई मेकअप, ग्रीन आई मेकअप, ब्लू आई मेकअप, स्मोकी आई मेकअप जैसे हम बोलते हैं, उसी तरह ये नेम स्पेसिफिक हो जाता है कि हमने कौन सा कलर यूज करना है। सो दीज ऑल आर नेम स्पेसिफिक, गोल्डन आईज चाहिए, सिल्वर आई चाहिए, ब्रॉन्ज चाहिए, मेटेलिक चाहिए, रेड, ग्रीन, पर्पल, एक स्पेसिफिक आई मेकअप हो जाता है जिसको आप क्रिएट कर सकते हो आई मेकअप लुक के लिए। इसके बाद मैं आपको बता रही न्यून आई मेकअप, आजकल बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी है या इवन नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे हमें ऑफिस जाना है या डेली रूटीन है या हम इतना मेकअप नहीं करना चाहिए, अगर पार्टी पे भी या सिर्फ बर्थडे पार्टी है, नॉर्मल पार्टी फंक्शन है, तो हमें ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं हम न्यून आई मेकअप, जिसमें आपका मेकअप तो किया हुआ होता है आईज का, लेकिन बहुत ही लाइट कलर्स के साथ क्या होता है, लाइट ब्राउन्स, न्यून मेकअप कलर्स, आप एक स्पेसिफिक कलर पैलेट होती है, इस तरह की एक पैलेट होती है जिसमें आपको न्यून मेकअप कलर्स मिल जाते हैं, जिसका कलर्स आंखों के ऊपर बहुत लाइट आता है, वेरी बहुत ही फाइन कलर्स आते हैं, तो उसको हम न्यून आई मेकअप बोलते हैं, जो मेकअप तो हम करते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है, इसी को ही न्यून आई मेकअप को ही आजकल नो मेकअप लुक भी बोल दिया जाता है, इसको हम नो न्यून आई मेकअप भी बोल सकते हैं, इसको हम नो मेकअप लुक भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम है, बस नाम अलग अलग है, इसलिए मैं बता रहा था कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि न्यून कौन सा होता है, नो मेकअप कौन सा होता है, क्योंकि दोनों ही आजकल सेलिब्रिटीज या बॉलीवुड में आप देखोगे कि ज्यादा कलरफुल आईज मेकअप करना कम हो गया है, नेचुरल ही दिखना उनको पसंद है कि हमारी स्किन नेचुरल ही दिखे, लेकिन वो एक्चुअली में नेचुरल नहीं होती है, उसको भी मेकअप किया गया होता है, लेकिन उनका जो मेकअप होता है वो न्यूड होता है, नो मेकअप लुक होती है, जिसमें बहुत ही लाइट कलर यूज किए हुए होते हैं, हमें लगता है कि कोई मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन उन्होंने न्यूड कलर्स एप्लीकेशन करके, कलर प्लेसमेंट करके न्यूड मेकअप कलर्स की अपनी नो मेकअप लुक क्रिएट की होती है, अदरवाइज उन्होंने कलर्स यूज किए हुए होते हैं, तो वो आ जाता है न्यूड मेकअप लुक में या नो मेकअप लुक में भी, यहाँ पर साथ साथ में रेफरेंस में दिखा रहा हूँ, इस तरह के बॉलीवुड सेलिब्रिटी या नॉर्मल भी टीवी सेलिब्रिटी जब कलर्स अपना मेकअप करते हैं, तो इनकी आईज पर अगर आप देखोगे मेकअप किया हुआ पूरे फेस के ऊपर, लेकिन न्यूड आई शेडो अप्लाई किए हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही नेचुरल है, इसी तरह के आई शेडो भी मार्केट में आते हैं, सेम ही चीज को हम क्रिएट कर सकते हैं नो मेकअप लुक में या न्यूड मेकअप लुक में, तो ये आपके ऑलमोस्ट सारी मेकअप लुक है जो अलग अलग नाम से आती हैं, लेकिन उसका मतलब वही होता है कि या तो वो नेम स्पेसिफिक हो जाती है, या तो फिर आईलाइनर स्पेसिफिक हो जाती है, या तो फिर वो आपकी नो मेकअप लुक हो जाती है, या फिर जो मैंने आपको आपको बताया कि 10 नेम्स, उस तरह के मेकअप भी आप क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जो आई शेडो पैलेट्स होते हैं वो किस तरह की होती है, कौन कौन से टाइप्स में आती है, अवेलेबल होती है, तो आई शेडो पैलेट हमारे पास मैट में होती है या क्रीम में होती है, हमारी जो आई शेडो पैलेट आती है हमारे पास वो मैट कलर्स भी हो सकते हैं या क्रीम बेस्ड भी हो सकता है, उसमें ग्लिटर्स भी हो सकते हैं, उसमें शिमर भी हो सकते हैं, ये हमारे मेन चार टाइप्स है हमारे आई शेडो के, जिसमें नंबर वन मैट होते हैं, क्रीम आई शेडो भी होते हैं हमारे, मैं साथ साथ में रेफरेंस आपको दिखा रही हूँ, मैट आई शेडो किस तरह की पैलेट्स आती है हमारे, उसको आप यूज कर सकते हो, क्रीम आई शेडो एज अ बेस भी यूज कर सकते हो आप, क्रीम बेस होता है जो हम आईज को अगर कलर को पॉप दिखाना हो कि हाँ जब पॉपअप होके दिखे अच्छे से विजिबिलिटी आई हमारे कलर्स की, तो हम क्रीम आई शेडो का बेस भी यूज कर लेते हैं जो इस तरह की किट अवेलेबल होती है मार्केट में। इसके अलावा हमारे पास ग्लिटर्स होते हैं, ग्लिटर्स हमारे को लूज में भी मिल जाते हैं और प्रेस में भी मिल जाते हैं, ग्लिटर और शिमर में ज्यादा फर्क नहीं है, ग्लिटर क्या होता है कि थोड़ा सा ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और जो शिमर्स होते हैं वो थोड़े से फाइन क्वालिटी के होते हैं, थोड़े से माइक्रो होते हैं, ये दोनों ही आपको लूज में भी मिल जाते हैं, प्रेस्ड फॉर्म में भी मिल जाते हैं, इस तरह के आप देख सकते हो लूज पिगमेंट्स, इसको पिगमेंट्स भी बोल देते हैं, तो आपको लूज पिगमेंट्स भी मिल जाएंगे शाइनिंग ग्लिटर्स, और आपको प्रेस्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगे ग्लिटर्स और शिमर, तो ये हमारी आई मेकअप जो पैलेट आती है आई शेडोज की, उसमें ये वैरायटी आपको मिल जाती है, मैट में होते हैं, क्रीम होते हैं, ग्लिटर्स होते हैं, शिमर होते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर की तरह होते हैं, क्रीम बेस में आपको मिल जाते हैं, जब आपको सपोज स्मोकी मेकअप करना है तो आप डायरेक्टली अगर ब्लैक कलर लगाते हो तो इतना विजिबल नहीं होता, लेकिन अगर उसके नीचे आपको ब्लैक क्रीम बेस आई शेडो का जो क्रीम ब्लैक बेस होगा, क्रीम होगा, शेड होगा,
उसको अगर आप लगाओगे उसके ऊपर आप अगर आई शेडो लगाओगे मैट कलर का कॉम्पैक्ट पाउडर वाला, तो वो थोड़ा सा पॉप अप होके आएगा, अच्छा सा आएगा, उसका पिगमेंट आपको उभर के दिखेगा। तो इस तरह से क्रीम बेस और कॉम्पैक्ट पाउडर दोनों ही आते हैं, लूज पिगमेंट और प्रेस्ड ग्लिटर्स ये भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारे आपके मेकअप के टाइप्स होते हैं कि आपको कौन कौन सी पैलेट को लेना चाहिए और किस तरह की वैरायटी में वो अभी अवेलेबल है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मेकअप टिप की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए कि एज ए मेकअप टिप और मेकअप हैक के लिए भी यूज कर सकते हो आप। आज का सबसे बड़ा मेकअप टिप आपके लिए ये है कि जब भी आप आई मेकअप करने से पहले आई शेडो चूज करते हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ ओके सिर्फ अपने क्लाइंट की ड्रेस और ज्वेलरी देख के ही आई शेडो चूज मत कीजिए। आप क्लाइंट की स्किन अंडरटोन एनालाइज करने के बाद ही कलर्स को, आई शेडो के कलर्स को चूज कीजिए, क्योंकि जैसे क्लाइंट की स्किन होगी और उसकी अंडरटोन होगी, अगर वो वॉर्म कलर में है तो आप उसकी वॉर्म कलर से मिलते जुलते ब्राउन और येलो कलर इस तरह की फैब्रिक को ही चूज कीजिए। अगर उसकी स्किन टोन क्लाइंट की आपकी और अंडरटोन फेयर है तो आप अपने पिंक रेड इस तरह की टोन या पीच टोन को रेड फैमिली, पीच फैमिली या पिंक फैमिली के ही कलर्स को चूज कीजिए। अगर आपके क्लाइंट की स्किन डार्क कलर की या अंडरटोन में उनकी डार्क है तो आप डार्क ब्राउन और ब्लू ब्लैक इस तरह के कलर्स को चूज कीजिए। तो हमेशा ही मेकअप करने से पहले सिर्फ ड्रेस को मत देखिए कि उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, उनकी स्किन और उनकी अंडरटोन को भी चेक करें। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ये सारी थ्योरी अगर आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसीलिए थ्योरी का कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी मिस होती जाएगी तो प्रैक्टिकल के टाइम पे हम सोचेंगे कि प्रेस्ड आईज क्या होती है, प्रेस्ड ग्लिटर क्या होते हैं, कट क्रीज क्या होता है। तो हमारी थ्योरी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हम सारी चीजें अभी से सीख लेंगे, वीडियो को पूरा देख लेंगे, तो हमें पता होगा प्रैक्टिकल करके टाइम पे कि कौन सी टेक्निक को हमने यूज करना होता है, तो आसानी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक कर दीजिएगा और उनको भी शेयर कीजिएगा, और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।